हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराधा दुबे वंस अगेन विद यू विद अनदर प्रेजेंटेशन ऑफ अ पोएम. एंड द पोएम हैज़ बीन टाइटल्ड एज कीपिंग क्वाइट एंड इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय अ वेरी वेरी फेमस पोएट पाब्लो नेरुडा, हु इज अ नोबेल लॉरिएट एज वेल. एंड ही इज फेमस बिकॉज ऑल हिज लिटरेरी वर्क्स आर एन अपील टू मेंटेन वर्ल्ड पीस and to stop all the wars in the world. So before going into the poem, let's have an idea about the lifespan of the poet. Pablo Neruda is the pen name of Neftali Richardo Basalto, who was born in the town of Barril in Chile. His poems are beautiful and full of simple images. This is something very special about poetry of Pablo Neruda, that through very beautiful and simple images, simple language, he is able to convey his idea to the masses, and his appeal to maintain world peace is visible in almost all his works. In this poem, he highlights the need of quiet introspection and a feeling of mutual understanding among human beings. ये जो poem है उसमें वो एक exercise बताते हैं कि अगर आप कुछ चीज़ें achieve कर लो तो शायद दुनिया के सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे और वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना आसान हो जाएगा. और ये चीज़ें हैं इंट्रोस्पेक्शन एंड अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. नाउ हाउ दिस कैन हेल्प इन मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस? इंट्रोस्पेक्शन मींस टू लुक विद इन. द पोइट सेज दैट इट इज़ वेरी ईजी टू हैव एन आइडिया और टू असेस वॉट द अदर पीपल आर डूइंग. हम बहुत जल्दी जज करने लगते हैं दूसरे लोगों को, उनके एक्शंस को, उनकी पर्सनैलिटीज़ को, उनके डिमांड्स को, लेकिन वी फेल टू अंडरस्टैंड वॉट वी एक्चुअली आर और वॉट आर अवर ट्रू गोल्स और वॉट वी वॉन्ट फ्रॉम आवर सेल्व्स. सो इफ वी डू दिस इंट्रोस्पेक्शन वी विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड ourselves, and if we are able to understand ourselves, a feeling of mutual understanding is very possible to be developed among human beings, because if this quality is developed, all the clashes can be eliminated. Now let's move on to the text itself. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. Poet ek bahut hi simple si cheez karne ke liye appeal karta hai. वो कहता है वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. वी हैव ट्राइड मैनी थिंग्स इन अवर लाइफ. हमने बहुत कुछ किया है, हमने बहुत तरीके से अपने पॉइंट्स को प्रूव करने की कोशिश की है, हमने बहुत तरीके से आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, हमने बहुत तरीके से अपनी डिमांड्स को वर्ल्ड के सामने रखा है, अपने प्रॉब्लम्स को वर्ल्ड के सामने रखा है, एंड इवन देन वी आर कंप्लेनिंग दैट वी हैव नॉट अचीव्ड दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद अदर्स. सो वॉट शुड बी डू नाउ? द पोइट सेज दैट वी विल काउंट टू 12. By the count of 12, we will all keep still. Let's stop all the activities. केवल 12 तक की गिनती के लिए आप सारे activities को रोक दीजिए. अब 12 तक ही क्यों? You can be asked in 1 marks question, why 12? Why the count of 12? So you can refer this number of 12 with the 12 months in a year. एक साल में 12 महीने होंगे, मे बी पोइट का रेफरेंस उस तरफ है. या मे बी द नंबर्स ऑन अ क्लॉक, द 12 आवर्स इन वन पार्ट ऑफ द डे, मे बी ही इज रेफरिंग टू दैट. सो 12 के काउंट तक वो अपील करता है कि 12 के काउंट तक हम सारी एक्टिविटीज को रोक देंगे और हम स्टिल हो जाएंगे. स्टिल मीन्स मोशनलेस. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. He opines that language, the use of verbal communication, the use of verbal argument can never result in peace.
can never result in agreements. So if it if it is not better that we should stop use of any language for a little while, क्यों ना अच्छा हो कि थोड़े समय के लिए हम किसी भी तरीके की लैंग्वेज को यूज करना ही बंद कर दें. लैंग्वेज का मीन्स यहां पर वर्बल आर्ग्यूमेंट्स या वर्बल कम्युनिकेशन से है. व्हाई इज देयर अ नीड टू ऑलवेज पुट फोर्थ योर पॉइंट एग्रेसिवली टुवर्ड्स अदर. अगर एक आपको कुछ कह रहा है, अगर कोई सामने वाला आपको कुछ कह रहा है, तो ये जरूरी नहीं है दैट द वर्बल आउटपुट शुड ऑलवेज बी रिवर्टेड, कि आप उसको हमेशा जवाब दो ही दो. ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है. तो एक बार हम क्यों ना ऐसा करें कि इस पृथ्वी पर हम लैंग्वेज का यूज़ बंद कर दें कुछ समय के लिए. देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा होगा. लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड. जो भी हम कर रहे हैं, वट एवर वी आर डूइंग, वट एवर वी आर अप टू, लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच. हेयर ही वॉन्ट्स टू कन्वे in an indirect message. He says, let's stop, not move our arms so much. We move our arms so much when we try to justify our point in front of someone. जब हम अपनी बात को प्रूव करने की, जोरदार तरीके से सामने वाले पर साबित करने की कोशिश करते हैं, अपनी बात को ज़्यादा एम्फेसाइज करने की कोशिश करते हैं, हम अपने हाथ बहुत चलाते हैं. यहाँ पर इसका एक दूसरा मीनिंग भी है. द Poet has used the poetic device here that is called pun. In this word arm, this arms has two meanings here. Arms is our limb, हमारे हाथ, और arms here means weapons. So he is indirectly he is making an appeal for you stopping the use of weapons for a while. दुनिया में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वेपन्स उठाना नहीं होता है. तो यहाँ पर वो हर तरीके के आर्ग्यूमेंट को बंद करने के लिए कह रहा है कुछ समय के लिए. इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट. साथ ही वो ये भी कहता है कि आप देखिएगा, जब हम सारे एक्टिविटीज़ को रोक देंगे, जब हथियारों का यूज़ बंद हो जाएगा, जब वर्बल आर्ग्यूमेंट्स बंद हो जाएंगे, व्हेन वी विल बी स्टॉप्ड वेयर वी वर डूइंग, और सारी एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी, ये एक डिवाइन मोमेंट होगा. एग्जॉटिक मीन्स डिवाइन, समथिंग दैट इज ब्लेस्ड बाय गॉड हिमसेल्फ. सो दिस टाइम विल बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश. नोबडी विल बी इन अ हरी. जनरली तो हर आदमी को जल्दी है. एवरीबडी इज अ पार्ट ऑफ अ ब्लाइंड कॉम्पिटिशन. नोबडी नोज वेयर अदर इज गोइंग, वेयर ही हिमसेल्फ इज गोइंग, बट एवरीबडी इज रशिंग. लेकिन जब ऐसा होगा, व्हेन फॉर अ लिटिल वाइल, जब सारी एक्टिविटीज रुक जाएंगी, सारे लोग स्टॉप हो जाएंगे, तो ये जो एग्जॉटिक मोमेंट ही होगा, जब किसी को कोई जल्दी नहीं होगी. विदाउट इंजन्स, इंजन्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइज. तो यहाँ पर वो कहता है कि किसी तरीके का कोई शोर भी नहीं होगा, क्योंकि होता क्या है, एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड ट्राई टू पुट फोर्थ हिज पॉइंट ओनली, नोबडी इज रेडी टू लिसन टू वॉट अदर इज सेइंग, और सारे लोग इसी कोशिश में शोर करते रहते हैं. तो ये शोर जो है, ये भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा. We would all be together in a sudden strangeness. And the most beautiful thing about this will be that though we are in our life making a lot of trials in order to develop that level of understanding between ourselves, but we are not able to do so. रोज कोई ना कोई शांति वार्ताएं होती हैं, रोज कोई ना कोई पैक्ट होते हैं, समझौते होते हैं कि दो देशों के बीच में शांति बनी रहे, कोई मीडिएटर्स होते हैं जो दो लोगों के बीच में शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करवाए जाते हैं एक दूसरे से ताकि वो शांति बनी रहे. लेकिन यहां स्पेशल क्या है कि कुछ ना करने के बावजूद भी हमने वो चीज अचीव कर ली है जो बहुत कुछ करने के बावजूद भी हम अचीव नहीं कर पाए थे. एंड दिस इज समथिंग वेरी अनफैमिलियर, क्योंकि हमने तो हमेशा ये सीखा है दैट टू ट्राई समथिंग, टू अचीव समथिंग, वी हैव टू डू समथिंग. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. सो ये एक बहुत ही अजीब चीज़ है जो हम अचीव करने में एबल रहेंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन एंड फाइंड आउट सम वर्ड्स एंड मीनिंग्स विच आर देयर इन द
text. So the first word is face, that means exposed to world, duniya ke samne. Move arms means activities, and arms is the word which has poetic device pun, because the meaning of arms is our limbs, our hands, and another meaning of arms is weapons. Exotic here means excessively happy, that can be compared to something divine. And then is engine, that is noise. Sudden here means unplanned, for which we have not planned and which has appeared before us. Strangeness here means unfamiliar. So the explanation of the first stranger can be assessed in the with the following points. The first one is everybody should cease to do what he is doing for a while. Poet is making a sincere appeal ki jo bhi hum kar rahe hain kuch samay ke liye hum use karna band kar dein, use stop kar dein. We can save the world. It is not very difficult to save the world if we have the solutions and we have the tactics, how we can develop the understanding between ourselves. We can save the world with our efforts. In the moment of silence and inactivity, we would all be one. And when we will be observing this silence, when we will be observing this inactivity, we would all be one, eliminating all the petty differences which were there among ourselves. There would be no regional, cultural, lingual and personal differences. ये सारे जो differences होते हैं ये तभी तक होते हैं जब तक हम इनको अपने बातों या अपने actions के through सामने वाले को realize करा रहे होते हैं. और जब हम silence maintain कर रहे हैं, जब हम सारी activities को रोक रहे हैं, तो ये regional, cultural, lingual और personal differences के लिए तो कोई scope रह ही नहीं जाएगा. There would be a togetherness, a strangeness. तो ये जो है togetherness जो है जो हम अचीव कर पाएंगे ये बहुत ही स्पेशल है, थोड़ा सा अनफेमिलियर है, थोड़ा सा स्ट्रेंज है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करने के बाद, बहुत सारे एक्शंस करने के बाद भी वी आर नॉट एबल टू अचीव द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद अदर्स. बट दैट पोइट इज मेकिंग एन अपील, ही इज कन्वेइंग द मैसेज दैट जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द साइलेंस एंड जस्ट बाय ऑब्जर्विंग inactivity for a brief period of time, you are able to develop that understanding and that unity among yourself. So this message is something very unique, but it is very effective as well. And now let's move on to the one marks question that you can find in this text. Why does the poet say that for once let us all keep quiet and cease inactivity? Why does the poet say that for once let us all keep quiet and cease inactivity? Because he wants us to achieve introspection and develop a mutual understanding among human beings, which can be achieved only by doing this. Next question is what does he refer to as the exotic moment? एग्जॉटिक मोमेंट किस मोमेंट को उसने कहा है? वही मोमेंट जिसमें सब लोग अपने पर्सनल डिफरेंसेस को भुला के एक यूनैनिमिटी को एक्सप्लोर करेंगे, शांत हो जाएंगे, सारी एक्टिविटीज़ को रोक देंगे. वो मोमेंट होगा जिस जो कि एग्जॉटिक होगा, डिवाइन होगा. व्हाट डज ही मीन बाय वी वुड ऑल बी टुगेदर? Because we are not single-minded, we are not unanimous on our points, on our arguments. लेकिन यहाँ पर बिना कुछ किए हुए भी सारी activities को रोक कर भी, सारे verbal arguments को stop करके भी हम एक togetherness को feel कर सकते हैं, achieve कर सकते हैं, realize कर सकते हैं. Why would this togetherness cause sudden strangeness? Because in spite of doing many efforts and taking many steps, we are not able to achieve that exotic pleasure of being one
forgetting all our petty differences, individual differences, our forgetting our arguments. लेकिन यहाँ सिर्फ activities को रोक के, सिर्फ अपने verbal arguments को रोक के, we can achieve that level of understanding, we can achieve that level of peace. और शायद ये वो moment होगा जब दुनिया से युद्ध का हमेशा हमेशा के लिए